हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। दोस्तों, मैं सुबह 6 बजे उठ गया था, 1 घंटा मुझे फ्रेश होने में लगा है और अब 7 बज रहे हैं और अब मैं वापस यात्रा के लिए निकल रहा हूँ। और जहाँ मैं रुका था, ये शेषनाग है, तो शेषनाग बेस कैंप पे हम रुके थे। तो 500 रुपये पर बंदा इसमें रहता है और कम से कम एक टेंट के अंदर 10 बंदे आते हैं। लेकिन जिस टेंट में हम रुके हुए थे, इसमें सिर्फ हम 3 बंदे ही रुके थे और कोई भी नहीं आया, खाली था पूरा टेंट। आराम से रुके, काफ़ी मज़ा आया। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, माइनस में चला गया था टेम्परेचर और अभी बहुत ठंड हो रही है। देख सकते हैं, मैंने कैप भी पहन ली है और अपनी जैकेट भी पहन ली निकाल के। कैप पहननी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सर दर्द हो जाएगा, इतनी ठंड है यहाँ पे। तो अब सीधा हम यहाँ से निकलेंगे पंचतरणी के लिए। तो देखते हैं हम पंचतरणी कितने टाइम पे पहुँच पाते हैं शाम को, और अगर हम दोपहर में ही पहुँच गए पंचतरणी तो उससे आगे संगम है, संगम पे पहुँच जाएंगे। पंचतरणी से केदारनाथ गुफा 5 किलोमीटर दूरी पे रह जाती है और संगम से 3 किलोमीटर, तो संगम पे निकल गए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और बाकी कोशिश करूँगा कि दर्शन के बाद, और दर्शन जो है हमें कल सुबह ही होंगे केदारनाथ गुफा, हो सॉरी अमरनाथ गुफा के हमें जो दर्शन है वो कल ही होंगे। तो पंचतरणी में स्टे करना पड़ेगा, अगर संगम पहुँच गए तो संगम में स्टे करेंगे। तो अमरनाथ गुफा के दर्शन हम कल सुबह सुबह करके और सीधा मैं बालटाल से उतर जाऊँगा, क्योंकि यहाँ का ट्रैक बहुत लंबा है। बालटाल से सेम डे उतर जाऊँगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो बाकी देखते हैं जो भी होगा। तो मैं आपको सारा एरिया दिखा देता हूँ जहाँ पे मेरा टेंट था। तो 500 रुपये का मैंने टेंट लिया था, जिस पर ज़मीन पे बिस्तर बिछाए गए होते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा टेंट नहीं होता कि आपको लग्जरी या महंगा टेंट मिलेगा, बस दो ही वैरायटी होती हैं। या तो आप ज़मीन पे बिस्तर बिछा लें, या आप खाट वाला ले लें तो फोल्डिंग के ऊपर बिस्तर बिछेगा, उसमें भी 10 लोग ही आते हैं, वो आपको 700 रुपये का मिलेगा। तो देख सकते हैं, ये टेंट है जिसके अंदर मैंने रात को स्टे करा था। तो काफ़ी अच्छे से इसके अंदर बिस्तर लगाया गया होता है, ठंड नहीं लगती बिल्कुल भी। एक बहुत मोटी रजाई आपको मिल जाएगी, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पे, लेकिन बिल्कुल भी मुझे ठंड नहीं लगी। और बाहर का एरिया देख सकते हैं, सारा का सारा, सारे जो चारों तरफ पहाड़ है सारे बर्फ़ से ढके पड़े हैं। तो काफ़ी सारे ग्लेशियर हैं यहाँ पे, ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। शेषनाग के बाद आपको एक और पड़ाव मिलेगा आगे पंचतरणी में, तो वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। तो 2 स्टे करने पड़ते हैं क्योंकि 32 किलोमीटर की यात्रा है पहलगाम से। तो नॉर्मली लोग 2 बार स्टे करके करते हैं, पहला शेषनाग में और दूसरा पंचतरणी में स्टे होता है। दोनों साइड में आपको बेस कैंप मिलेंगे, टेंट मिल जाएंगे, तो आप 2 बार रुक के वहाँ पे जा सकते हैं। यानी कि पहले दिन आप शेषनाग में स्टे करेंगे, फिर अगले दिन पूरा दिन चलेंगे, उसके बाद पंचतरणी में स्टे करेंगे, और फिर तीसरे दिन सुबह सुबह आप पंचतरणी से निकलेंगे तो 5 किलोमीटर की यात्रा आपकी रहेगी, 5 से 6 किलोमीटर की, और आप गुफा पर पहुँच जाएंगे। तो सुबह के वक्त आप दर्शन कर सकते हैं और उससे फिर वापसी कर सकते हैं। तो शेषनाग बेस कैंप से अमरनाथ गुफा 16 किलोमीटर रह गई, आधा रास्ता हमने कवर कर लिया था कल ही, 16 किलोमीटर। तो हम 16 किलोमीटर शेषनाग बेस कैंप आ गए थे, तो अब यहाँ से निकल रहे हैं सुबह सुबह। और यहाँ पे वॉशरूम भी आपको काफ़ी साफ़ सुथरे और नीट एंड क्लीन मिलेंगे, तो बहुत अच्छे से फ्रेश भी हो गया मैं। तो इसी बात की टेंशन रहती है मेन कहीं पर भी आके कि वॉशरूम कैसा मिलेगा, तो वॉशरूम भी ओके रिपोर्ट था। और टेंट में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, इतनी मोटी रजाई मिल गई थी तो हमने डबल डबल कर ली, और एक नीचे भी बिछा ली थी क्योंकि हमारे टेंट में सिर्फ हम 3 बंदे थे, तो हमें रजाई भी अच्छे से मिल गई जिससे हम अपने आप को कवर करके अच्छे से सो गए। और रात को बारिश भी होने स्टार्ट हो गई थी, लेकिन आधा घंटा ही बारिश हुई, ज़्यादा बारिश नहीं हुई, ऐसा कोई मौसम ख़राब नहीं हुआ। और सुबह 6 बजे हम इसलिए उठे थे क्योंकि जल्दी जल्दी निकलने का कोई फ़ायदा नहीं होता यहाँ से, शेषनाग से निकलने में, जो शेषनाग से जो निकलने दिया जाता है वो 6 बजे ही एंट्री खुलती है, तब जाके हम पंचतरणी के लिए निकलते हैं। तो अब 7 बज रहे हैं तो 7 बजे ही निकलेंगे और ज़्यादा बढ़िया है, आराम से हमने नींद भी पूरी कर ली। करीब 8 बजे के आसपास मैं सो गया था शाम को। तो चलो अब निकलते हैं, 2 बंदे मेरे साथ हैं, उनसे पूछ लेता हूँ, अगर वो साथ चलेंगे तो ठीक है, और बाकी जो कल मेरे साथ बंदे थे और 4 बंदे वो तो निकल गए, वो तो बहुत तेज तेज चल रहे थे, वो तो अब इस टाइम समझ लो कि 10 बजे तक तो अमरनाथ गुफा के दर्शन भी कर लेंगे, वो इतनी तेज चल रहे थे, अपने बस की नहीं है इतनी तेज चलना। तो गाइस अब हम निकल रहे हैं अपने कैंप से, तो बाहर मेन एंट्री है, वहाँ पे भंडारा लगा हुआ है, तो नाश्ता करते हुए चलेंगे क्योंकि आगे का कुछ पता नहीं है कब मिले हमें, तो पहले नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं। तो चलो चलते हैं, हर हर महादेव। तो आपको जितने भी बेस कैंप देखने को मिलेंगे सभी पे आप स्टे कर सकते हैं, वहाँ पे टेंट वगैरह अवेलेबल रहते हैं और मार्केट भी काफ़ी अच्छी खासी मिलती है। अपने साथ आपको कोई भी गर्म कपड़ों का बोझा ढोते हुए आने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लगता है कि मुझे गर्म कपड़ों की ज़रूरत है तो आप इन मार्केटों से ख़रीद सकते हो। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता सामान, आप अपने हिसाब से यहाँ ढूंढ सकते हो कि जो आपको ठंड रोकने के लिए कोई सामान या जैकेट मिल जाए, रेनकोट, खाने पीने का सामान सब कुछ आपको मिलेगा। हर बेस कैंप पे एक अच्छी खासी मार्केट बना रखी होती है, तो देख सकते हैं सारे बेस कैंप में से होता हुआ जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, कितने सारे टेंट लगा के मार्केट और दुकानें बना रखी हैं।
तो आप यहाँ से ले सकते हैं अगर आप जूते वगैरह भी नहीं लेके आ रहे हैं, और यहाँ से भी आप ट्रैकिंग के लिए जूते ले सकते हैं। जूते आपको 300-400 रुपए के बताएंगे, लेकिन 200 रुपए में बढ़िया से बढ़िया जूता मिल जाता है, वो भी ट्रैकिंग वाला, जिसके सोल में अच्छे खासे ग्रिप होंगे। तो अब मैं भंडारी की तरफ आ गया हूँ, सुबह सुबह नाश्ता करते हैं और उसके बाद ही आगे की तरफ निकलेंगे। तो देख सकते हैं शेषनाग का बेस कैंप वाला भंडारा है यहाँ पे। हर भंडारे में कम से कम आपको 5-7 या 8-10 भंडारे इकट्ठे देखने को मिलेंगे, जहाँ पे भी आपको खाना अच्छा लगे या आपको जो खाना है आप खा सकते हैं किसी भी भंडारे में जाके। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे चाय लूँगा, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पे चाय मिल रही है, और चाय के साथ देखते हैं क्या मिल रहा है। तो चाय के साथ रस मिल रहे हैं और ब्रेड टोस्ट भी मिल रहा है, तो मैं चाय ले लेता हूँ। वैसे मैं चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी सी चाय पी लेता हूँ, खाली पेट यात्रा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। रात को बारिश तो आधे घंटे के लिए हुई थी, लेकिन कीचड़ हो चुकी है हर जगह पे, जबरदस्त फिसलन हो रही है हर जगह। शेषनाग से आगे पंचतरणी जाने के लिए बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, इतने में ही हालत ख़राब हो गई। रास्ता देख सकते हैं, सारा रास्ता नुकीले पत्थरों से भरा पड़ा है, बस कदम देख के रखने पड़ते हैं, बाकी गिरने का कोई ख़तरा नहीं है। देख सकते हैं ऐसे रास्ते से मैं आया हूँ, काफ़ी मुश्किल रास्ता है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है शेषनाग के बाद, और रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है चलने में, क्योंकि इन्हीं छोटे रास्तों पे लोग भी चल रहे हैं और खच्चर भी चल रहे हैं। देख सकते हैं यहीं पे लोग चल रहे हैं और खच्चर चल रहे हैं, और एक तरफ खाई है, और खाई के अंदर बहुत तेज की नदी बह रही है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लो है जिसका। तो शेषनाग पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, तो मैंने जैकेट वगैरह और वार्मर पहन लिया था, तो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है, तो मैंने कपड़े चेंज करे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कॉटन की टी शर्ट डाली है, वार्मर उतारा है, और जैकेट भी पैक कर ली अपनी। अब आगे बढ़ूँगा मैं यहाँ से। तो गाइस देख सकते हैं ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है, अगर आप लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। पहलगाम से पंचतरणी तक के लिए 8400 रुपये, अगर आप बालटाल से पंचतरणी पहुंचना चाहते हैं तो 5600 रुपये लगेंगे राउंड ट्रिप के। और जो हेलीपैड है वो पंचतरणी में ही है, और पंचतरणी से गुफा करीब 6 किलोमीटर है, तो 6 किलोमीटर आपको पैदल ही जाना होगा वहाँ से। अगर आप सोच रहे हैं कि घोड़े खच्चर से हम यात्रा कर लेंगे, तो घोड़े खच्चर से ना करें, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, गिरने का भी खतरा रहता है, और किसी जानवर को नुकसान पहुँचाओ वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि खच्चर का रेट हेलीकॉप्टर से ज़्यादा महंगा है और रिस्क भी बना रहता है। इससे अच्छा होगा कि आप लोग हेलीकॉप्टर से ही यात्रा कर लें, 6 किलोमीटर पैदल चल लें, या 6 किलोमीटर बाद ही घोड़ा कर लें, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वो आपको ठीक रेट पड़ जाएगा उसका। तो मेरी आवाज़ को इग्नोर करना है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, जिसकी वजह से मेरा गला ख़राब हो चुका है, थोड़ी आवाज़ ऐसी निकल रही है फटे बांस जैसी, तो उसको इग्नोर करना। तो चलो गाइस अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा 10 मिनट के लिए रुक गया था मैं तो सोच रहा था कठिनाई सिर्फ इतनी है, लेकिन शेषनाग के बाद बहुत ज़्यादा चढ़ाई बढ़ चुकी है और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन की कोई भी कमी महसूस नहीं हो रही, सिर्फ थकान है जो पहाड़ों पर चढ़ने की वजह से हो जाती है। और जितना मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ उतना ही अल्टीमेट व्यू आता जा रहा है, देख सकते हैं सामने कितनी ज़्यादा खूबसूरती बढ़ चुकी है पहाड़ों में, और दूर दूर तक बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, दिल्ली की तरह नहीं है कि तो सामने का व्यू ही नज़र नहीं आ रहा और फॉगी फॉग नज़र आ रहा हो, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर व्यू है यहाँ का सारा। तो गाइस देख सकते हैं शेषनाग से मैं 3 किलोमीटर से ज़्यादा आ चुका हूँ, यहाँ पे एक और भंडारा आ गया है, और 10 बज रहे हैं इस टाइम पे, 2 घंटे लगे मेरे को इतनी चढ़ाई करने में 3 किलोमीटर की, मेरे की तो हालत ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा चढ़ाई थी यहाँ पे। लेकिन सामने की तरफ देख सकते हैं, यहाँ से और भी ज़्यादा खतरनाक चढ़ाई आने वाली है, मुझे तो लगा यही खतरनाक है, इसी में हालत टाइट हो गई, आगे की चढ़ाई बहुत खतरनाक है। तो चलो जो भी होगा भोलेनाथ सब करवा देंगे, भोले का नाम लेके चलते रहेंगे, देखते क्या मिल रहा है यहाँ पे, पानी पीता हूँ और कुछ खा लेता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि भूख लगने लग गई है अब। तो गाइस जैसे ही आप यात्रा करेंगे हर 5 किलोमीटर पे आपको भंडारे देखने को मिलेंगे, तो मैं एक भंडारे में पहुंच चुका हूँ, देख सकते हैं गर्मा गर्म रोटी बनाई जा रही है, और कितनी सारी सब्जियाँ हैं यहाँ पे, जिसमें मिक्स वेज है, दाल मखनी है, राजमा चावल है, और आगे की तरफ देख सकते हैं सैंडविच बनाए जा रहे हैं, स्वीट कॉर्न सूप भी है यहाँ पे, तो सूप भी ले सकते हैं, और मीठे में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, खीर है, गुलाब जामुन है, ढोकला पाव भाजी, खजूर, तो जो मन करे वो खाएँ आप, काफ़ी सारी चीज़ें आपको हर भंडारे में देखने को मिलेंगी।
और टेस्ट भी भरपूर होता है, बहुत बढ़िया टेस्ट होता है यहाँ के खाने का। महादेव के भंडारे की तो बात ही अलग है, देख सकते हैं कितने सारे पकवान बनाए गए हैं, कितनी सारी मिठाइयाँ हैं, बस जो अच्छा लगे वही खा सकते हैं। इतना सारा तो हम खा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी। तो भाई, इस यात्रा की जो असली चढ़ाई शुरू होती है वो शेषनाग से ही शुरू होती है। यहाँ से बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। 3 किलोमीटर आने के बाद एक लंगर और मिल जाएगा आपको, जहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया सब कुछ। तो काफ़ी अच्छा लंगर और भंडारा मिल जाएगा आपको, तो यहाँ पे खाना खा सकते हैं आराम से। और फिर उसके लिए आगे की चढ़ाई करो, और सामने चढ़ाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, मैं बहुत थक गया हूँ। 5-5 मिनट में रुकना पड़ रहा है, कुछ कदम चलते हैं फिर रुकना पड़ जाता है। तो गाइस, मैं सोच रहा था कि शेषनाग के बाद प्लेन एरिया आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। शेषनाग के बाद भी बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, काफ़ी ज़्यादा स्टीप है पहाड़, तो उन पर चढ़ते चढ़ते सांस फूल जाती है, तो हर 5 मिनट में रुकना पड़ रहा है। और सामने की तरफ देख सकते हैं कितने ज़्यादा ग्लेशियर जमे पड़े हैं। जितनी पास मैं गुफा के जाता जा रहा हूँ उतनी ज़्यादा ठंड बढ़ती जा रही है। और ये सामने की तरफ देख सकते हैं भंडारा, जिसमें से मैं अभी खाना खा के आया हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मैं 2 बार रुक चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा दूर आ गया, ऐसे लग रहा है पास में ही है, लेकिन 2-2.5 किलोमीटर दूर होगा ये। और रास्ता देख लो कैसा है, पत्थर भरा, बिल्कुल भी कोई रास्ता नहीं है, सीधा सिर्फ पहाड़ों पे ही चढ़ रहे हैं। देख सकते हैं अब जाके थोड़ा बर्फ वाला एरिया है, जिसपे हमें बर्फ पे चल के जाना है। बर्फ जमी पड़ी है सारे में, देख सकते हैं दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ है। अब बर्फ पे चल के जा रहा हूँ, काफी ज्यादा स्लिपरी है। बहुत ठंड लग रही है यहाँ पे, क्योंकि पसीने आ रहे हैं बॉडी में, और हवा इतनी तेज ठंडी ठंडी चल रही है, इतनी चिल्ड हवा चल रही है, सर को चीरते हुए निकल रही है हवा। तो यहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है, कान बिल्कुल सुन हो चुके हैं मेरे, लेकिन व्यू अल्टीमेट है, मज़ा आ रहा है व्यू देखने में। देख सकते हैं चढ़ाई बहुत ज़्यादा कठिन थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल चढ़ाई थी। उसके बाद अब ये हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल ग्राउंड एरिया में, तो अब नीचे उतरना है। काफ़ी ज़्यादा ढलान है जिससे हम नीचे उतर के जा रहे हैं, देख सकते हैं। लेकिन हम इतनी नीचे उतर आए कि जितना हम चढ़े थे उतना ही बिल्कुल नीचे फ्लैट एरिया पे आ गए हैं। अब इससे आगे जाने के बाद अगर ऊपर चढ़ना पड़ा फिर से तो हालत टाइट हो जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि शेषनाग से यहाँ तक की चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी, बिल्कुल ऊपर ऊपर चढ़ते हुए आ रहे थे, हर 5 मिनट में रुकना पड़ रहा था, लेकिन अब रुकना पड़ा और दोबारा ऊपर चढ़ना पड़ा था, दिक्कत हो जाएगी। बाकी चल के मैं आपको दिखाऊंगा कैसा रास्ता है। और ये रास्ता देख सकते हैं शेषनाग के पास सारा रास्ता ख़राब है, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से उतर के नीचे की तरफ आए हैं। बहुत मुश्किल है यहाँ से नीचे उतरना, क्योंकि रास्ता भी ठीक नहीं है। और यात्रा में एक अंकल थे, उनसे नीचे नहीं उतरा जा रहा, उनके पैर बिल्कुल काम करना बंद कर दिए, देख सकते हैं। हमारी आर्मी के जवान उनको अपने कंधे पे टांग के लेके आ रहे थे, वो कैसे नीचे तक उतरवाएंगे क्योंकि घोड़ा भी वहाँ तक नहीं जा सकता। काफ़ी दूर से उनको नीचे तक लेके आ रहे हैं अपने कंधे पे सहारा दे के। सल्यूट है अपनी आर्मी को, देख सकते हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि अंकल आपसे नहीं चला जा रहा, लाओ मैं आपको नीचे उतरवा देता हूँ। तो काफ़ी ऊपर से देख सकते हैं, वहाँ पर ऊँचाई से जहाँ मैं आपको उंगली करके दिखा रहा हूँ, वहाँ से अंकल को नीचे तक लेके आए हैं। यहाँ से नीचे लेके जाएंगे तो फिर अंकल कह रहे हैं उसके बाद मैं ठीक हो जाऊँगा, मेरे को उतरने में प्रॉब्लम होती है, चढ़ने में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पैदल ही यात्रा करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। करीब 12 किलोमीटर यात्रा में आने के बाद उनको उतरने में प्रॉब्लम हुई है। तो गाइस, अपनी यात्रा में मैं अकेला हूँ, सोलो यात्रा है मेरी ये, तो मेरे साथ कोई भी नहीं है, तो मैंने आपको बताया नहीं, बताना भूल गया मैं, तो मैं आपको एक बारी और बता देता हूँ कि मैं सोलो ट्रिप पर हूँ और अकेला ही यात्रा करूँगा बरनाथ जी की, और बाबा बर्फानी की गुफा में दर्शन करेंगे जाके अकेले ही। तो मज़ा आ रहा है अकेले अकेले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होती है, आप लोग आराम से अकेले भी आ सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं सामने एक और गेट आ गए, यहाँ पे भी काफ़ी सारे कैंप वगैरह लगे हुए हैं, और ये सारे लोग आर्मी के जवान के साथ सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। और देख सकते हैं इस रास्ते से मैं आया हूँ, और अब मैं पहुँच चुका हूँ पोषपत्री। पोषपत्री में बहुत ज़बरदस्त भंडारा होता है, सबसे बड़ा भंडारा जो होता है अमरनाथ यात्रा का पोषपत्री में लगता है, VIP भंडारा होता है, VIP नहीं बल्कि आप VVIP भंडारा बोल सकते हैं, बहुत बड़ा भंडारा होता है। मैं चल के आपको दिखाऊंगा कि कैसा भंडारा होता है यहाँ पे,
दुनिया की सारी चीज़ें इसमें बनाई जाती है और बहुत सारे पकवान यहाँ मिलते हैं खाने को। तो 56 भोग मिलते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं सामने पोषपत्री है और पोषपत्री के बाहर ये मसाज जोन बना हुआ है मालिश के लिए। तो इसमें चल के देखते हैं क्या चीज़ है इसके अंदर। मेरे पैर बहुत ज़्यादा थक गए हैं और दर्द भी हो रहे हैं, तो मैं यहाँ जाके पहले मालिश करवा लेता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कैसी मालिश होती है यहाँ पे। और काफ़ी लंबी लाइन लग रही है मालिश के लिए यहाँ पे मसाज जोन में। देख सकते हैं 12 बजे का टाइम हो रहा है और मैं पोषपत्री पहुंच चुका हूं। पोषपत्री में स्टार्टिंग में आपको ये मसाज जोन मिलेगा, यहां पे आप अपने पैरों की मसाज करा सकते हैं मशीनों से। तो मैंने करवा ली है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट हो गए, पैर बहुत ज़्यादा थक गए थे तो काफ़ी मज़ा आया मसाज करा के पैरों की। तो अब ये पोषपत्री का भंडारा है, इसके अंदर चलते हैं देखते हैं इस भंडारे में हमें क्या क्या खाने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शंभू गाइस यहाँ से शुरुआत होती है पोषपत्री भंडारे की। देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे छुआरे हैं, काफी तरह की कैंडी हैं और देख सकते हैं दलिया है, खीर है, सारी दूध से बनी आइटम है, काफी सारी चीजें, मुझे तो नाम भी नहीं पता इन चीजों के। और मिठाइयाँ देख सकते हैं कितनी ज्यादा मिठाई है, यहाँ से लेके बिल्कुल लास्ट तक सिर्फ मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ हैं। तो मैं यहाँ पे सारी चीजें कवर नहीं कर पाऊंगा, मेरे पैर बहुत ज्यादा थक गए हैं। तो गुजिया भी मिल रही है यहाँ पे, जो भी चीज़ें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, हर जगह पे बार बार जाके दिखा नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको, सबसे ज़बरदस्त VIP भंडारा होता है वो पोषपत्री में होता है। और देख सकते हैं यहाँ पे तंदूर ग्रिल लगाया गया है, तो यहाँ पे ग्रिल आइटम मिल जाएंगी आपको सारी, कम से कम 15-20 आइटम है जो ग्रिल करके दी जा रही है, पनीर टिक्के, मशरूम वगैरह और पता नहीं क्या क्या है, चाप वगैरह। और देख सकते हैं ये भी चीज़ें, तो सारी चीज़ें अपने आप देख लेना आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे गोलगप्पे और चाट वगैरह बनाई जा रही है, तो काफ़ी ज़बरदस्त चाट मिल रही है यहाँ पे, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं खाने वाला, मेरा पेट भरा हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे फ्रूट मिल रहे हैं, तो मैं आम ले लेता हूँ, आम खाता हूँ सबसे पहले। काफ़ी सारे फ्रूट दिए जा रहे हैं यहाँ पे भंडारे में, और भंडारे में काफ़ी बड़ा बेकरी का सेक्शन भी बनाया गया है, यहाँ पे बेकरी का सारा सामान मिल रहा है। देख सकते हैं क्या क्या आइटम है यहाँ पे, और साथ में ही शेक वगैरह हैं, बहुत सारे शेक हैं, करीब 8-10 तरीके के शेक देखने को मिले हैं यहाँ पे, तो इन शेक को भी पी सकते हैं। मैंने अभी पाइनएप्पल शेक पी है, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। पोषपत्री के भंडारे में ज़रूर रुके। पोषपत्री से निकलने के बाद एक वाटर क्रॉसिंग आई है, और सामने देख सकते हैं कितना अच्छा पानी का ये झरना सा बना रखा है। इस नदी का पानी बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है, यहीं पे भर के मैंने कई बारी पानी पी है, बहुत अच्छा पानी है। आप लोग भी आए यात्रा पे तो पानी भर के पी सकते हैं। पानी का फ्लो देखो कितना ज़बरदस्त है, छोटी सी पुली है, वाटर क्रॉसिंग है, बहुत ही अमेजिंग नज़ारा है यहाँ का। दूर दूर तक के नज़ारे बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, काफ़ी खूबसूरत है। तो गाइस देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। पोषपत्री से भंडारा खा के ही निकला हूँ मैं आगे, मुश्किल से 500 मीटर आया हूँ, और देख सकते हैं यहाँ पे नज़ारे बदल चुके हैं बिल्कुल, और पहाड़ देखिए और ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं। और सामने की तरफ से देखिए पानी आ रहा है, कितना सारा ग्लेशियर पिघल के देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है ऊपर से। और पोषपत्री पे देखिए कितने सारे ग्लेशियर जमे पड़े हैं, ये सारे पोषपत्री पे थे। पोषपत्री का भंडारा बहुत ही VIP है, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे, एक नंबर ज़बरदस्त खाना है यहाँ पे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है छोटी से छोटी जो आपको इस भंडारे में नहीं मिलेगी, सब कुछ है। आपको मैंने वीडियो में दिखाया है, आप देख लेना खुद ही, नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पर नहीं है, सब आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। तो गाइस मैं अकेले ही यात्रा पे आया हूँ, अकेले आने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, हिम्मत होनी चाहिए बस, मैं भी हिम्मत करके यहाँ तक आ चुका हूँ। शेषनाग से मैं 8 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ, इतना ही मेरे को और चलना है तब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा पंचतरनी पे ही मैं स्टे लूँगा आज। अगर थोड़ा सा भी मेरे को टाइम, अगर मैं वहाँ 1 घंटा पहुँच गया अपने टाइम से, और अगर आगे जाने दिया तो मैं संगम पे स्टे करूँगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि पंचतरनी से 5 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है अमरनाथ की गुफा, और संगम से 3 किलोमीटर दूर है, तो जितनी पास होगा उतना अच्छा रहेगा, ताकि कल सुबह सुबह दर्शन कर देंगे साथ ही रिटर्न हो ले। तो गाइस कैसे हैं आप सब, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो
चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी लिखना ना भूलें। दोस्तों, ये मेरी सोलो यात्रा है, सोलो ट्रिप है, और मैं अकेला ही हूँ इस यात्रा में। देख सकते हैं मेरे चारों तरफ, तो कोई दिक्कत नहीं आती है अकेले यात्रा करने में, उल्टा मज़ा आता है, क्योंकि मेरे को जितने भी ग्रुप वाले दिखे यहाँ पे यात्रा करते हुए, सारी परेशानियाँ अपने एक दूसरे से, क्योंकि कोई तेज़ चलता है, कोई धीरे चलता है, और सब धीरे चलने वाले को छोड़ के भाग जाते हैं। तो मेरे साथ तो कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं अकेला हूँ, अपने मन के हिसाब से चल रहा हूँ, तो अकेले यात्रा करने में कोई दिक्कत नहीं होती। जहाँ मर्जी जितना मर्जी रुको और आराम से चलते रहो, सबसे बड़ी है। तो अकेले यात्रा करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो चलो अब आगे बढ़ता हूँ, पोचपत्री है मेरे पीछे, वहाँ से मैं 500 मीटर आगे आ गया हूँ। मैं सीधा पंचतरनी की तरफ जा रहा हूँ। अगर पंचतरनी में तो मैं आराम से पहुँच जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरा टाइम बचता है 1-1.5 घंटा, तो मैं आगे संगम की तरफ निकल जाऊँगा, संगम ज़्यादा पास रहेगा। पंचतरनी 5 किलोमीटर दूर रह जाती है वहाँ से बाबा की गुफा, और संगम से 3 किलोमीटर दूर। तो सुबह सुबह दर्शन कर लेंगे, जितना पास होगा उतना अच्छा रहेगा। बाकी देखते हैं, जो भी होगा वहीं चल के बताऊँगा मैं आपको। सकते हैं एक बार नीचे उतरने के बाद फिर से ऊपर चढ़ के आए हैं, और अब लास्ट में क्या, फिर एक बारी और हमें नीचे उतरना पड़ेगा। देख सकते हैं कितने नीचे तक जाना है। चढ़ते चढ़ते तो थकते हैं, नीचे उतरने में भी थक जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। मेरे से तो आराम से नहीं उतरा जा रहा नीचे, थोड़ा सा ईजी रहता है चढ़ने से उतरना ईजी होता है, लेकिन आराम से ही। सामने की तरफ बोर्ड लगा हुआ है कौन कौन से पॉइंट आते हैं रास्ते में और कितना एल्टीट्यूड है। तो पोचपत्री से मैं 5 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ। तो पोचपत्री से 5 किलोमीटर बाद देख सकते हैं यहाँ पे फिर से एक ढलान शुरू हो गई है। एक पहाड़ चढ़ने के बाद अब दूसरा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा आगे जाके। तो सामने की तरफ देख सकते हैं कैंप साइड है, तो वहीं पर मेरे को जाना है, वो पंचतरनी है। तो करीब 2 से 3 किलोमीटर है, देखने में ऐसे लग रहा है जैसे पास हो। तो गाइस देख सकते हैं कैसा रास्ता आ गया है, बहुत ज़्यादा पत्थरों वाला रास्ता है शेषनाग के बाद। और सामने की तरफ देखिए वो पंचतरनी है, आपको काफ़ी सारे कैंप लगे हुए दिख रहे होंगे, मैं जूम कर देता हूँ। ये पंचतरनी है, बस 2 किलोमीटर रह गए, दोनी मेरे ख्याल से यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर ही होगा अब, तो फिर मैं पंचतरनी पहुँच जाऊँगा। और पंचतरनी में हेलीपैड है, अगर आप लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं तो आपको पंचतरनी में ही उतारते हैं। तो देख सकते हैं, मैं जूम करता हूँ सामने की तरफ, हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं, देखिए वो जा रहा है हेलीकॉप्टर, वहाँ पे उतारेगा यात्रियों को और वहीं से ही लेगा, तो पंचतरनी तक ही आप आ सकते हैं। तो चल के मैं आपको आगे का भी नज़ारा दिखाऊंगा सारा। गाइस पीछे देखो कैसे रास्ते से मैं उतर गया हूँ, बहुत ही टफ रास्ता है ये वाला। पंचतरनी पहुँचने वाला हूँ, 1 किलोमीटर रह गया, देख सकते हैं पंचतरनी पहुँचने के लिए कितने मुश्किल पहाड़ों पर से, जो पत्थर ही टूटे हुए हैं यहाँ पर, ऐसा रास्ता है पत्थर वाला सारा, मतलब रास्ता नहीं है कोई भी, सब पत्थरों पर चढ़ते हुए आना पड़ेगा आपको। और सामने देखिए पहाड़ में कितनी बर्फ़ जम रही है, ज़बरदस्त ग्लेशियर जमे पड़े हैं। हो रहा सामने की तरफ पंचतरनी, यहीं पे पंचतरनी का हेलीपैड है जहाँ पे हेलीकॉप्टर से उतारा जाता है यात्रियों को। गाइस एक बात और आपको बताया तो, यात्रा तो बहुत टफ है, लेकिन सिर्फ उन बंदों के लिए जो बिल्कुल भी पैदल नहीं चलते हैं या जिनका वज़न ज़्यादा है। अगर आपका वज़न 60-70 किलो है और आपको पैदल चलने की आदत है, तो समझ लो 1% भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली इस यात्रा में, आराम से आप कवर कर लेंगे। और मैं अकेला ही अमरनाथ यात्रा कर रहा हूँ, तो मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई भी इतनी थकान नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है यहाँ पे, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपको पैदल चलने की आदत होनी चाहिए, मेरे को भी है, लेकिन थोड़ा सा पहाड़ों पर चढ़ाई करने की आदत नहीं है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं हुई। क्योंकि हम दिल्ली में पैदल चलने की प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, पर पहाड़ पे चढ़ने की प्रैक्टिस तो कर नहीं सकते, तो बस वही दिक्कत है, नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ पे। तो गाइस सुबह 6 बजे उठा था मैं, शेषनाग में था जब मैं, और 8 बजे अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके वहाँ से चल गया था।
तो सुबह 6 बजे मैं उठ गया था जब शेषनाग में था, 1 घंटा फ्रेश होने में लगा। 7 बजे हम बाहर निकल आए थे और फिर वहाँ पे मैंने नाश्ता वगैरह करा, तो करीब 8 बजे मैंने यात्रा शुरू करी थी और सुबह 8 बजे से अब 3 बज रहे हैं। 3 बजे मैं पंचतरणी पहुँच चुका हूँ। करीब 12-13 किलोमीटर का ये सफ़र रहा शेषनाग से पंचतरणी का। शेषनाग के बाद चढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं जिससे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है अगर आपको चलने की आदत नहीं है तो, नहीं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और मैं अकेला ही यात्रा कर रहा हूँ, देख सकते हैं मेरे पीछे कोई भी नहीं है, दूर दूर तक सारे यात्री भी जा चुके हैं। और जो आए थे तो यहाँ पंचतरणी में आते के साथ ही स्टार्टिंग में भंडारा था तो भंडारे में रुक गए, नाश्ता पानी कर रहे हैं, चाय वगैरह पी रहे हैं और थोड़ा बहुत खाने पीने का है उधर। तो मैं तो रुका नहीं, मैंने कहा फिर प्रॉपर पंचतरणी में चल के ही रुकूँगा मैं, तो बस थोड़ा सा ही रह गया कुछ कदम की दूरी पे, तो मैं तो आराम से आ गया, कोई दिक्कत नहीं होती अकेले यात्रा करने में भी, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप में भी लोग यात्रा कर रहे थे तो ग्रुप में तो आपस में सभी लोग होते हैं, सबका अलग अलग स्टैमिना होता है, अलग अलग सबके चलने की पावर होती है कि कौन कितना चल रहा है, तो सब परेशान हो जाते हैं ग्रुप में, कोई कहता है तेज चलो, कोई कहता है धीरे चलो। तो अच्छा हुआ मैं ग्रुप में नहीं आया किसी में, अकेला आया हूँ, अकेले आने में ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी रुकोगे, जहाँ मर्जी कुछ भी खाओगे और चलते रहोगे। तो मैं भी अपने हिसाब से चल रहा हूँ, जहाँ मर्जी रुकता हूँ, व्यू देखता हूँ, इन्जॉय करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ और थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ वहाँ पे, आधा घंटा भी रुका हूँ मैं कई जगहों पे जो बहुत अच्छा व्यू था। तो बस ऐसे करते करते मैं पहुँच गया, देख लो 8 बजे से शेषनाग और 3 बजे पंचतरणी। तो बस और क्या चाहिए, सुबह उठेंगे जब भी यात्रा छूटेगी आगे के लिए तो मैं सीधा जाके गुफा जाऊंगा और दर्शन करते के साथ ही रिटर्न हो लूँगा बालटाल से, तो बालटाल से वापस आऊँगा मैं, क्योंकि बालटाल वाला रास्ता भी देखना है कैसा है, पहलगाम वाला तो देख ही लिया है, तो दोनों रास्ते दिखाऊँगा आपको, काफ़ी मज़ा आएगा। और कल सुबह गुफा के भी दर्शन कराऊँगा और उससे पहले देख लेते हैं पंचतरणी में कौन सा टेंट मिलेगा और कितने का मिलेगा, ये सब दिखाता हूँ आपको, और क्या भंडारा है, क्या अरेंजमेंट है यहाँ के, सब कुछ देखते हैं चल के। तो काफ़ी सारे पहाड़ों पे चढ़ने के बाद अब मैं बिल्कुल नीचे आ चुका हूँ, देख सकते हैं सारा फ्लैट एरिया है, अब मैं बिल्कुल भी किसी पहाड़ पर नहीं हूँ ऐसा लग रहा है, लेकिन ये सारा एरिया पहाड़ के ऊपर ही है और यहाँ चारों तरफ पानी पानी है और बहुत हरे भरे ग्राउंड टाइप का, यहाँ पे काफ़ी बड़ा ग्राउंड है तो यहीं पर घोड़े वगैरह घूम रहे हैं और नज़ारा देखो एक नंबर है यहाँ पर। लेकिन ये नहीं समझ आ रहा इतने सारे पहाड़ चढ़ने के बाद ये ग्राउंड एरिया पहाड़ों के अंदर कहाँ से आ गया। तो गाइस देख सकते हैं मैं पंचतरणी पहुंच चुका हूं और मेरे पीछे देखिए यहां पे रुकने के लिए कुछ ऐसे टेंट देखने को मिलेंगे आपको, तो अभी चल के मैं इनका रेट पता करता हूं कितने का है। तो पंचतरणी में ही स्टे होगा आज मेरा। देख सकते हैं मैं पंचतरणी में हूँ और पंचतरणी में रुकने के लिए आपको कुछ ऐसे टेंट देखने को मिलेंगे जिनको पूरा कवर किया गया है, क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है जब मर्जी और बारिश भी होने लगती है, तो इसीलिए पूरे अच्छे से इनको वाटरप्रूफ करा गया है, देख सकते हैं। तो अभी मैं रूम लूँगा अपने लिए, टेंट में देखते हैं कितने का टेंट मिलेगा मेरे को, कितने का है क्या नहीं है। आगे की तरफ भंडारा है, भंडारे के पास में ही लूँगा, जो भी रेट है मैं आपको बताऊँगा आगे चल के। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं सीधा भंडारे की तरफ, हर हर महादेव। दोपहर के वक्त देख सकते हैं यहाँ पे गोलगप्पे खिलाए जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं गोलगप्पे खा लेता हूँ। तो गाइस भंडारों में ही रेस्ट करने की भी व्यवस्था होती है, अगर कई लोग ऐसे आते हैं जो टेंट वगैरह नहीं लेना चाहते या अफोर्ड नहीं कर सकते तो इन भंडारों के अंदर भी वो आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको रजाई मिल जाती है तो फ्री में आपका रहने का इंतजाम भी हो जाएगा और खाने पीने का अरेंजमेंट तो रहता ही है भंडारों में। तो गाइस पंचतरणी पे एक टेंट के अंदर आ चुका हूँ मैं, भैया मेरे को टेंट दिखा रहे हैं कि ऐसा टेंट है और अरेंजमेंट है, क्योंकि पंचतरणी में शेषनाग से ज़्यादा ठंड होती है तो यहाँ के कंबल भी मोटे दिए गए हैं और पूरा नीचे कारपेट बिछा रखा है और उसके नीचे एक गद्दा बिछा रखा है जिससे कि कोई दिक्कत ना हो सोने में, ठीक है। रुक जाते शेषनाग में मुझे 500 रुपये का टेंट पड़ा था और यहाँ पे मुझे 550 रुपये का पड़ेगा, तो सिर्फ 50 रुपये ही ज़्यादा है यहाँ पे, तो मैंने ये टेंट ले लिया, मैं यहीं पर रुकूंगा। और देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे टेंट हैं, करीब 1400 टेंट हैं यहाँ पे और 500 टेंट
आर्मी के। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं जिसमें 4-5 बंदे हैं तो आप पूरा टेंट भी ले सकते हैं अकेले ही। तो मैं टेंट के अंदर बैठ चुका हूँ, बाहर का नज़ारा देख लो एक बारी। मौसम बिल्कुल क्लियर है, कोई बारिश नहीं है, कोई कुछ नहीं है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। शेषनाग से ज़्यादा ठंड है पंचतरनी पे, और पंचतरनी से जो गुफा की दूरी रह गई है करीब 6 किलोमीटर की है, जो मैं आराम से कवर कर लूँगा। 1 से 1.5 घंटा लगेगा मेरे को यहाँ से गुफा तक पहुँचने में। और अगर आप पंचतरनी से आगे तक जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको करीब 2 बजे से पहले आना होगा, तभी आपको संगम के लिए भेजा जाएगा, नहीं तो 2 बजे यहाँ से यात्रा रुक जाती है। तो मैं 3 बजे पहुँचा हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं आगे नहीं जा सकता। A few moments later. तो मेरे टेंट से 200 मीटर की दूरी पे ही भंडारा है, तो खाना खा लेता हूँ, उसके बाद ही मैं सोऊंगा क्योंकि खाली पेट सोया नहीं जाएगा। बहुत तेज भूख भी लग रही है, थक चुका हूँ मैं काफ़ी। यहाँ से खाना खाता हूँ, खाना शुरू हो चुका है। भंडारों में ज़्यादातर 7 बजे पूजा के बाद ही खाना शुरू होता है। शंभू शंभू शंभू